अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जरीन खान। मेरे चैनल सेट के यूनिक कुकिंग में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ मैं आज फिर से एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन चिकन। ये बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सिंपल और इजी होता है। आइए इसमें यूज़ होने वाले मसाले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लियो मैंने कुछ खड़े मसाले, और ये है ग्रीन चिल्ली, ये है कैप्सिकम। अगर आपके पास कैप्सिकम ना हो तो आप इसकी जगह पालक की प्यूरी भी ले सकते हैं, ग्रीन पालक। उसे बॉईल करके, उसे उबाल कर उसका पेस्ट बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिल्ली अपने टेस्ट के हिसाब से ली हूँ। आपको जितना तीखा चाहिए आप उतना ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 से 7 मिर्ची ली हूँ। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर ली हूँ। ये मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली हूँ। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून के आसपास बड़ी शोप ली हूँ। ये 3 खड़ी इलायची ली हूँ। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ली हूँ, और ये कुछ पुदीने के पत्ते और हरा धनिया ली हूँ। हमें हरा धनिया डंडियों के साथ ही लेना है, और बहुत ज़्यादा लेना है क्योंकि ग्रीन चिकन है, ये ग्रीन ग्रेवी बनेगी और इसमें ग्रीन चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। इन सभी को हमें मिक्स करके एक फाइन पेस्ट बनाना है। इसे पेस्ट बनाते टाइम हम इसमें लेमन ऐड करेंगे ताकि हमारा जो पेस्ट है वो ब्लैक ना पड़े। आइए अब हम इसका पेस्ट बनाते हैं, और बाकी के मसाले मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये देखिए हमने हमारा पेस्ट बना चुके हैं, और ये बहुत ही फाइन पेस्ट बना है, बहुत ही अच्छे से पीसे हमने इसे। अब हम इसमें ये जो दही है ये ऐड करेंगे। दही हमने फीका वाला लिया है, ये 1/2 कप से कम है, आप देख सकते हो कितना गाढ़ा है। ये भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो मिक्सी में जब पीसेंगे हम लोग उसी में ऐड कर सकते हो, इससे हमारा जो ग्रेवी है वो एकदम ग्रीन ही रहेंगी, वो ब्लैक नहीं पड़ेंगी। वैसे तो हमने इसमें लेमन भी ऐड किए, इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम चिकन ली हूँ, ये बोन के साथ है, विद बोन है ये। आप इसी तरह से ग्रेवी के लिए चिकन लीजिए, बिना बोन्स के मत लीजिए। यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए पाउडर के, ये लियो मैंने ग्रीन फूड कलर, आप चाहे तो ये डाल सकते हैं, वरना इसे नहीं भी डाले तो चलेगा। यहाँ पे लियो मैंने हींग, ये लियो मैंने गरम मसाला, ये लियो मैंने हल्दी पाउडर, यहाँ पे लियो मैंने जीरा भुना पीसा हुआ, ये लियो मैंने धनिया पाउडर, और ये है कस्तूरी मेथी, और यहाँ पे लियो मैंने नमक टेस्ट के हिसाब से, और ऑयल हमें ग्रेवी के लिए जितना चाहिए उतना। आइए अब हम ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। देखिए अब हम ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई गैस पे रखी हूँ, कढ़ाई हमारी गरम हो रही है। हमने इसमें तेल ऐड किए। तेल डालने के बाद यहाँ पे मैंने 2 लौंग और 2 तेज़पत्ता ली हूँ, ये छोटे छोटे तेज़पत्ता है, इसे हम फ्राई करेंगे, और इसके बाद हम इसमें हमारा ये जो चिकन है ये ऐड करेंगे। हम अभी चिकन ऐड करते हैं। चिकन हमने अच्छे से धोकर वॉश कर लिए है। इसमें हम अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करेंगे, और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे नमक के साथ। तो देखिए मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट और नमक सब ऐड कर लिए, अब हम इसे हिलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए हमने 5 मिनट तक चिकन को अच्छे से फ्राई की है, और ये कितने अच्छे से गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें जो हमारी ग्रेवी है, ये जो ग्रेवी हमने बनाए थे, ये इसमें ऐड करेंगे। और ये जो हमारे पाउडर मसाले हैं सब के सब हम ये भी ऐड कर देंगे। ये बहुत ही जल्दी और बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे ज़रूर बनाइए। आप चाहे तो मैरिनेशन के लिए ये सब मसालों को चिकन के साथ लगाकर ऐसे भी डायरेक्ट फ्राई कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही सिंपल होती है, ये देख सकते हो। अब हम इसे ढककर 5 से 8 मिनट तक पकने देंगे। बीच में 1 से 2 बार हम चला लेंगे इसे, फिर हम आपको दिखाते हैं। अब हम ग्रेवी चेक कर लेते हैं। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, हमारी ग्रेवी अच्छे से बन चुकी है, ऑयल सब ऊपर आ चुका है। अब हम गैस बंद करते हैं और आपको डिश में निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए हमने चिकन ग्रेवी को डिश में निकाल चुके हैं, और ये बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार और बहुत ही यम्मी डिश बनी है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। ग्रेवी, तीखा, नमक सब आप अपने अकॉर्डिंग
रख सकते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। अगर आप मेरी कोई रेसिपी मुझसे जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मैं वो नेक्स्ट रेसिपी आपको वही दिखाने की कोशिश करूंगी। मैं सिंपल वे में आप सभी के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरे आने वाली सभी न्यू रेसिपी आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिले। चलती हूँ, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलूंगी बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआओं में जरूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।